स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय मैथ्स क्लास। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.7। इसमें एप्लीकेशन है वर्ड प्रॉब्लम्स। मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप इनको अपनी नोटबुक में सेल्फ सॉल्व करना है, मतलब आपको बिना किसी की हेल्प के वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना कि आपको क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन में आपसे क्या क्यूरीज है, आपको कैसे आप उसका आंसर सॉल्व करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास 136 chairs need to be arranged. If 6 chairs are arranged in a row, then how many rows are to be made and how many chairs are left? Number of chairs कितनी है? 136 chairs है, इनको arrange करना है क्लास में। इनमें आप one row में कितनी chairs arrange करोगे? 6 chairs in one row. अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा है, how many rows are to be मेड इन, हाउ मेनी चेयर्स आर लेफ्ट, कि आपको ये बताना है कि कितनी चेयर्स तो अरेंज हो जाएगी और कितनी चेयर्स यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। तो इसमें आपको 136 को आप डिवाइड करना 6 से, आपका जो क्वोटेंट आएगा वो तो बनेगा कि कितनी रोज होगी, कि आपकी कितनी रोज बनेगी, एंड जो आपका रिमाइंडर बचे वो आएगा कि हाउ मेनी चेयर्स आर लेफ्ट, कि कितनी चेयर्स लेफ्ट है, कितनी चेयर्स बच चुकी है। नेक्स्ट है, इन ए स्वीट शॉप 406 स्वीट्स नीड टू बी पैक्ड इन बॉक्स। कितनी स्वीट्स हैं? 406 स्वीट्स हैं, इनको पैक करना है बॉक्स में। इफ ईच बॉक्स कंटेन 8 स्वीट्स, एक बॉक्स में कितने स्वीट पैक कर रहे हैं? 8। हाउ मेनी स्वीट विल बी लेफ्ट। सेम है कि 406 क्या है, टोटल स्वीट्स कितनी है? 406 स्वीट्स है, आपको इनको बॉक्सेस में पैक करनी है। वन बॉक्स में कितनी पैक करेंगे? 8 स्वीट। तो आप 106 को डिवाइड करोगे 8 से, जो आपका क्वोटेंट आएगा वो तो आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने पैक हुए, और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आएगा कि कितनी स्वीट्स लेफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर थर्ड है, फॉर ए स्कूल कॉम्पिटिशन 140 स्टूडेंट्स नीड टू बी डिवाइडेड इंटू टीम ऑफ 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 140। आपको उनको कितने टीम्स में डिवाइड करना है? 4 टीम्स में डिवाइड करना है। हाउ मेनी टीम्स आर मेट, आपको ये बताने कितनी टीम बनेगी। इज एनी चाइल्ड लेफ्ट आउट, और अगर कोई स्टूडेंट रिमेनिंग रहता है या कोई स्टूडेंट बचता है, इसके लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 140 स्टूडेंट्स को आप डिवाइड करोगे, आपको कितनी टीम्स बनानी है? 4 टीम्स बनानी है। 140 डिवाइडेड बाय 4, आपका जो क्वोटेंट आएगा वो तो क्या आ जाएगा कि कितनी टीम्स बनेगी, एंड अगर आपका इसमें रिमाइंडर रहता है क्वेश्चन में, आप इसको जब सोल्व करो तो वो आ जाएगा कि अगर कोई स्टूडेंट लेफ्ट है, कोई स्टूडेंट रिमेनिंग रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए स्पोर्ट इवेंट 1050 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 5 टीम्स। नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं? 1050 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट किया कितनी टीम्स में? 5 टीम्स में। फाइंड द नंबर ऑफ मैंगो ईच टीम गॉट, अब आपको इसमें ये बताना है कि एक टीम को कितने मैंगोज मिले। नंबर ऑफ मैंगोज 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीम, कितने टीम्स हैं? 5 टीम्स। तो आपका जो क्वोटेंट आएगा उसमें वो आंसर आ जाएगा कि एक टीम को कितने मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट हुए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है वर्ड प्रॉब्लम्स के, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।